हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैं बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ। मैंने बाटी बनाई है तो बनेगा पूरी वीडियो के साथ, और जो आपने कमेंट किया था उसी का आंसर देने वाली हूँ मैं आज। बहुत सारे ने मेरे को जो कमेंट किया था उसी के कुछ आंसर देने वाली हूँ तो बने रहना। उससे पहले मैं दाल बना लेती हूँ, और अभी बज रही है रात के 10 बज गए। तो रात के 10 बजे हेलो, तो ये हमारे गांव से आए बहुत सारे अमरूद, तो हमने फ्रिज यहाँ रख रखे फ्रिज के ऊपर। तो अभी आए थे गांव से, कुछ आए थे तो लेकर आए। तो गांव से आए अमरूद, तो ये इतने सारे अमरूद रखे हुए। अभी तो अमरूदों की कोई कीमत नहीं है, कोई थोड़े बहुत वहां तो के यहाँ तो 50 रुपए किलो बिक रहे है दिल्ली में अमरूद, लेकिन वहाँ तो सस्ते ही है। फिर भी हम कभी खाने की इच्छा होती तो ले आते। अभी 30 हो गए शायद, पहले 50 थे दिल्ली में रेट, इतनी रेट होती है वहाँ पर। कितना वो है, जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर ज़्यादा रेट होती है। तो चलिए मैं भी दिखाती हूँ। हेलो, तो आप सभी के जो कमेंट थे उसके आंसर दे रही हूँ मैं। तो बहुत सारे के कमेंट ये थे कि दीदी आपने बेटा होने की दुआई नहीं ली कि लड़का होने की दुआई, ये आजकल बहुत लेटेस्ट चल रही है ये। तो मतलब हर कोई बोलता है इसके लिए तो बेटा होने की दुआई ली कि नहीं ली, ऐसी चीज़ें तो वैसे हमारी मान्यता है, लेकिन वो तो ऊपर वाले के हाथ में। किसी को बेटा बेटी दुआई लेने के बाद में भी बेटियां हो जाती है, बहुत सारे को लड़के की दुआ लेते हैं जब भी हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हमारा मन कहीं ना कहीं मानता नहीं कि हम, हाँ वैसा और लोग कर रहे तो हम भी करें, सभी सोचते हैं वैसे ये बात तो। और ऐसा हमारा मन तसल्ली के लिए हम उस दुआई वगैरह ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो तो भगवान के हाथ में है। और जो मैंने दुआई ली थी बेटा होने की, मेरे खुद के भी 2 बेटियां हैं, तो मैंने दुआई ली थी तो वहाँ से, लाल सोट के पास में गांव है जहाँ से ली थी मैंने, और वहाँ के हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी ली, वहाँ से ली थी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से ली थी, तो सभी के लड़का ही हुआ था, तो मैंने भी दुआई वहाँ से ली थी, लाल सोट के पास गाँव है तो वहाँ से ली थी। और जो बाबा के पास से मैंने वो दुआई ली थी, वो बाबा ने भी ऐसे बोला था आप पहले आ जाते, आपके 2 लड़कियां भी नहीं होती। तो उस बाबा ने भी ऐसे ऐसे बोला कि वैसे बाबा ने बोला, और उसने जो दवाई दी मेरे को वो कारगर भी रही, पता नहीं कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हो गया ये जरूर पता है भाई, हो गया लड़का हो गया। तो वैसे मैं फर्स्ट लड़की पहली डिलीवरी में जानती भी नहीं थी, दवाई भी कोई चीज़ होती है वैसे बिल्कुल जानती नहीं थी दवाई के बारे में। नहीं, आजकल तो पहली डिलीवरी में ले लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी 2 लड़कियां हो गई तो कोई बात नहीं। अगर पहले लड़का जाता तो पता नहीं लड़कियां होती नहीं होती, लड़कियां होना भी जरूरी है प्यारी। तो किसी को जरूरत पड़े तो आप भी ले सकते हैं वहां से दवाई से। जहाँ तक हमारे जान पहचान में उन सबके लड़का हुआ था, तो वहां से मैंने दवाई ली थी। और वो मतलब नीम का है तो जो बताता वो पूरा करना पड़ता है भाई, बहुत कठिन है, मुझे तो बहुत कठिन लगा वो करना पड़ता है जो मैं, नहीं तो बेटियाँ कोई बुरी थोड़ी होती है, लेकिन क्या करे समाज वैसा ही है हमारा, समाज को देखते हुए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये पूछा था मेरे से बहुत सारा, लेकिन अब क्या, मेरे 3 3 बच्चे हो गए, सर्दी का टाइम हो गया तो मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही। जब से पहले 1 महीने तक तो मैंने कुछ वीडियो शूट भी कर ली थी, अब तो मैं शूट भी नहीं कर पा रही। तो मैंने बहुत सारे काम किए थे, रोज कुछ नारियल वगैरह का जो बीज वगैरह रहता है वो भी मैंने लिया था, कि मैं छुपाऊंगी नहीं इसे, जो गया था वो तो बता रही हूँ। अब वो कैसे हुआ कैसे नहीं, वो तो भगवान के हाथ है, किसे हमको हमारे नसीब होगा जो ही मिलेगा। तो ऐसे और
मेरी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को भी टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, फिर भी मैं कुछ न कुछ वीडियो तो डालती रहती हूँ इस पर भी। हो सकता है उधर तक तो थोड़ा मेरे को टाइम मिल जाए, गर्मी तक तो। अभी क्या सर्दी है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, धूप बहुत कम निकलती है, दिन में कपड़े वगैरह और बहुत सारे काम हो जाता है, 3 बच्चों को छोटे छोटे है तो इसलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब। चलिए अब सब्जी बनाते हैं, दाल रोटी बनाई तो देखते हैं हमारी। और हस्बैंड अभी कभी बाहर गए हुए इसके पापा, तो दाल बाटी खा के चले गए, तो मैं रही हूँ, मैं भी और खा रही हूँ, एक बारी और खाऊंगी फिर सोऊंगी। अभी 10 बज गए रात के, 10 से ज़्यादा हो गए होंगे शायद अब तक। तो मैं बैठी हुई थी वैसे, हम सोते बहुत लेट है, 11-12 बजे तक सोते रात को।